तो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग। तो मुझे कुछ एक मेरे फॉलोअर्स के कुछ ऐसे मैसेज आए एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के बारे में कि दे आर रियली स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि इस सब्जेक्ट पे एक जरा थोड़ा क्लिक बेटर मैं भी बना लेता हूँ आपके लिए। बाकी सारे यूट्यूबर्स की तरह मौत चली हुई है। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि जो स्ट्रेटजी या फिर जो तरीका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में मैं हाई स्कोर करने का आपको बता रहा हूँ, पॉसिबली हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करे, क्योंकि ये तरीका मुझे हेल्प किया है, राइट। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मैंने इतना प्रेशर दे करके आपको इसीलिए बोला क्योंकि यूजुअली वी स्टडी द एनवायरनमेंट पार्ट एंड वी फॉरगेट अबाउट द इकोलॉजी पार्ट, राइट। वी ऑलवेज फॉरगेट अबाउट द इकोलॉजी बिकॉज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, राइट। और यूपीएससी अब इकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जब से आईएफएस का ये प्रीलिम्स वगैरह का इन्होंने इतना चक्कर किया हुआ है। सो इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट, दिस वीडियो माइट बी बिट हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो अब चलते हैं आगे। आई थिंक ये मैथी नाम के मेरे फॉलोअर है मणिपुर से, उनका ये मैसेज था। थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे मैसेज किया एंड आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट। एंड देर आर मेनी अदर्स ऑल्सो जिन्होंने यूट्यूब पे डिमांड किया था कुछ ऐसे एनवायरमेंट की स्ट्रेटजी के लिए जो कि शॉर्ट टर्म में उन्हें बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सके। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आम जिंदगी जो कि अप्रोच गलत है, वो गलत अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि आम जीवन में हम लोग क्या करते हैं। एक आम जीवन क्या करेगा, आम यूपीएससी एस्पिरेंट कि वो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड यूपीएससी की बुक्स कहीं से परचेज कर लेगा जो कि एकदम हाइपर मार्केटिंग हुई होती है उन बुक्स की, राइट। और उसके बाद वो क्या करेंगे कि दे हैव लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उनके अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो फैक्ट को मग अप कर रहे होते हैं, मतलब रट्टा मार रहे होते हैं, ये रिपोर्ट किसने निकाली, वो रिपोर्ट किसने निकाली, आर्कटिक वार्मिंग कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, वो बस ये सब चीजें बार बार मग अप करते हैं। एंड टू मच फोकस ऑन करंट अफेयर, वो करंट अफेयर की कहीं से मैगजीनें उठा लेते हैं, 2-3 आवर्स उसमें लगा लेते हैं डेली का, एंड दे कीप रिपीटिंग दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और 2-3 साल से, मतलब पूरा पाषाण काल से वो तैयारियां कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट उन्हें, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक सब्जेक्ट उन्हें धोखा दे रहा है, एंड दिस लीड्स टू अ बिग फेलियर, राइट। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो वो होना चाहिए आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, प्लस आपका पॉलिटी, प्लस इकोनॉमी, और प्लस आपका साइंस एंड टेक, राइट। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी का ऐसा है, कभी इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं प्रीलिम्स में, कभी नहीं आते हैं इससे क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस वो डाल देंगे, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री का भी ऐसा ही है, पिछले साल सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए, लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 20-22 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आते हैं। एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बिलीव मी इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, सबसे इजी सब्जेक्ट्स में से मुझे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लगता है, क्योंकि ये आपसे जो भी क्वेश्चन यूपीएससी एनवायरनमेंट से पूछता है, दैट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। और ये अप्रोच इसीलिए काम नहीं करती है जो ये फैक्ट को याद रखना, रटना, स्टैंडर्ड बुक्स जो कि यूजुअली आपके जो नोट्स होते हैं उन्हें आप कहते हैं बुक्स, वो बुक्स नहीं होती है, दे आर नोट्स। और नोट्स वो एकदम कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक का देख लेना जो मार्केट में अवेलेबल होगी, उनका कोई एक 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 पैरा उठाकर ये देखना, वो कॉपी पेस्ट कर देना क्रोम पे और सर्च करना, एग्जैक्ट वही वर्ड्स आपको नेट पे भी मिलेंगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ दोज बुक्स आर कॉपी पेस्ट बुक्स, राइट। और वो क्या करते हैं, इस साल अगर यूपीएससी ने कोई ऐसा अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछ लिया, स्टैंडर्ड बुक्स वाले अगले साल के एडिशन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, और अगले साल बच्चों को क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इसी बुक से आ रहे हैं। दिक्कत यहीं पे है, क्योंकि यूपीएससी जो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट इनमें से कौन सा ग्रास है, किसी स्टैंडर्ड बुक में ये नहीं था, मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया हुआ था, राइट। मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड देन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, आपने डायटोम यूजुअली नहीं सुना होता है, स्टैंडर्ड बुक में उतना कवर नहीं होता है, साइनोबैक्टीरिया कवर होता है, कोपोड्स, फोरामिनिफेरा, ये सारी चीजें आपने कवर की ही नहीं होती है, राइट। क्योंकि आपने इकोलॉजी पे फोकस नहीं किया, आपने बस एनवायरमेंट को स्टडी किया, वो एनवायरमेंट जो आपको दिख रहा होता है। देन कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि भैया जो प्रीडेटर्स हैं उनसे बचने के लिए कौन कौन से एनिमल्स खुद को रोल अप कर लेते हैं,
और ऑप्शन भी देखो, यूपीएससी के ट्रिकी ऑप्शन, वो आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं दे रहा है, वो आपको हेल्प करना चाहता है, अदरवाइज आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देते। यूपीएससी वांट्स टू हेल्प यू बाय टेलिंग कि इनमें से कोई एक गलत है, उस गलत को निकालो, उस गलत को फाइंड आउट करो। समझ रहे हो बात को? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड देन ये कुछ क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है विदाउट सॉइल सर्वाइव कर सकती है। तो जिसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जिसे नहीं पता कि थैलोफाइटा कौन है, ब्रायोफाइटा कौन होता है, टेरिडोफाइटा कौन होता है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब किन प्रिंसिपल्स पे वो वर्क करते हैं, यही फंडामेंटल जिसके क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा। ये एक ही 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ये एक ही प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन, इतने सारे इकोलॉजी के क्वेश्चन, राइट? क्योंकि आप तो स्टैंडर्ड मार्केट से जो बुक पढ़ रहे हो उसमें आप इकोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे, इकोलॉजी है ही नहीं उसमें कवर, उसमें सिर्फ एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो आप। एंड देन विद रेफरेंस टू फर्नांड सोइल, ये है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आपका, राइट? फर्नांड सोइल पे, लेकिन अगेन फर्नांड सोइल किसी भी बुक में कवर नहीं था, ये यूपीएससी ने ऐसे ही ऊपर से दे दिया, राइट? सो इस तरीके के जो है क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इसलिए आम जीवन के अप्रोच से हमारे काम नहीं चलेगा, राइट? ये बात तो आप एक्सेप्ट कर लो, मेहनत तो करनी होगी एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, बट ऐसा है कि अगर इस सब्जेक्ट पे आपने थोड़ा काम कर लिया, थोड़ी राइट अप्रोच से, सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वेरी हेल्पफुल। तो मेंटोस जीवन में आपको क्या करना है, मेंटोस जीवन हमेशा सबसे ज्यादा फोकस फंडामेंटल्स पे करेगा, तो आपको अपने फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं, राइट? फंडामेंटल चीजें कि प्रिडिशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, ये सब चीजें आपके इन स्टैंडर्ड बुक्स में भी दी हुई है, लेकिन आपको उसके एग्जांपल्स भी देखने हैं अपने लाइफ में, राइट? तो आपको अपने फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं, और उसके लिए बेस्ट जो सोर्स है ना वो है एनसीईआरटी का 12th की बायोलॉजी के जो चैप्टर 11 से लेके 16 है। आई थिंक अगर आपको खुद ये कवर करने हैं ये चैप्टर, तो 20 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गुरु। अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो तो 2 दिन में आप ये 5-6 चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो, राइट? बिल्कुल भी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, इस साल मेरा, मैंने मेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स कवर की थी, और जब मैंने स्टैंडर्ड बुक कवर करने के बाद ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी थी, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करो, इवन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, फिर भी इस एनसीईआरटी को एक बार फिर से देखो, राइट? एंड देन उसके बाद आप शिफ्ट करो स्टैंडर्ड मार्केट बुक के लिए, क्योंकि अगेन इस एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें कवर नहीं भी है जो आजकल न्यूज में चली हुई है, राइट? या फिर जो यूपीएससी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड मार्केट बुक्स पे फिर आप कुछ भी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कौन से है वो स्टैंडर्ड मार्केट बुक्स जो कि हाइपर मार्केट मॉडल पे काम करते हैं, राइट? बहुत सारे एस्पिरेंट उनका नाम लेते हैं, आई डोंट नो क्यों, उतना उनको मतलब एक हाइपर इंपॉर्टेंस दे दी गई है। खैर, फिर भी जो भी आपके बुक्स या नोट्स स्टैंडर्ड है उनको कवर करो, एंड आई थिंक 40 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं यार उनको कवर करने में, और इवन एक बार रिविजन करने में भी, समझ रहे हो बात को? तो अगर आप दिन में 2 घंटा भी इसको देते हो, तो अगले 20 दिन में, 20-25 दिन में आप बहुत अच्छे से वो बुक कवर कर सकते हो। और जिनको ये जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी, 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी कवर करनी है, और उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है अपने फंडामेंटल्स में, राइट? तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी, और अगर आपको, आपके पास 20 घंटे नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, आपको लगता है कि 20 घंटे में इतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगा इसी पे, सिर्फ एनसीईआरटी पे, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी, एक बार आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे, मैंने इस बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, और उसके लिए मैंने एनसीईआरटी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी वाली मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट है, सो यू कैन विजिट दैट प्लेलिस्ट एज वेल, राइट? वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। एंड देन जब आपने ये स्टैंडर्ड मार्केट बुक पढ़ ली, तो यहीं नहीं रुकना है गुरु, यहीं नहीं रुकना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपने सिर्फ पढ़ी है, ये आपने सिर्फ पढ़ी है, ये सिर्फ आपने नॉलेज दिमाग में रिटेन करी है, बस इसके आगे एक स्टेप और है। एक स्टेप ये है कि जो भी नॉलेज आप यहां से लोगे ना, फंडामेंटल की नॉलेज, उसको कोशिश करो कि उसके एग्जाम्पल्स अपने रियल लाइफ में आस पास आप देखो, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होती है वो टॉपिक पढ़ रहे हो, और आपने उसमें पैरासिटिज्म पढ़ा, राइट? आपने उसमें पैरासिटिज्म पढ़ा, तो
आप उसका एग्जाम्पल अपने आसपास देखो, पैरासाइट्स कौन कौन से आपके आसपास, आपके बाल में जो जुए हैं दे आर पैरासाइट्स, और वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, राइट। ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपके, आपने कोई पेड़ देख लिया, पेड़ में कोई बेल लटकी हुई है, उसके एग्जाम्पल, इन सारी चीजों को वहां पे देखो, राइट। एक बार जाकर के उस बेल को चेक करो, उसके पत्तों को चेक करो जरा, राइट, और उस बेल के स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर को जरा चेक करो, क्या उसके पास अपनी जड़ें हैं, कहाँ से वो फूड वगैरह ले रही है, ऐसी चीजें देखने की कोशिश करो जब भी आप नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो। क्योंकि जैसे ये मॉस वाला क्वेश्चन आ गया था, राइट, यहाँ मॉस वाला क्वेश्चन आ गया था, राइट। तो जिन्हें, जिन्होंने ध्यान से मॉसेस को देखा होगा अपने आसपास घरों में, उन्होंने ये भी देखा होगा कि ये मॉसेस जो है ये आपकी बेयर रॉक्स में भी उगे जा रही है, राइट, रॉक्स में भी उगती है। अदरवाइज नॉर्मल लोग जो हैं वो मॉस को कहाँ देखते हैं, मिट्टी विट्टी के ऊपर देख लेंगे, बट ये बेयर रॉक्स में भी उग रही है, समझ रहे हो बात को। सो आपको ये सारी चीजें अपने रियल लाइफ में आसपास कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करो, और ये आपकी मेमोरी को और ज्यादा शार्प करेगा, राइट। वो जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे क्योंकि आपने रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड देन कुछ ऐसे प्रो सोर्सेज है, कुछ ऐसे प्रो रिसोर्सेज है आपके लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। बहुत सारे लोग डाउन टू अर्थ को रिकमेंड करते हैं, बट वो डाउन टू अर्थ की रीडिंग को रिकमेंड करते हैं। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं था कि मैं डाउन टू अर्थ को पढ़ सकूं, राइट, उसके आर्टिकल्स वगैरह को उतना पढ़ सकूं। तो इनका एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, 2-3 मिनट की इनकी वीडियो आती है, और एक हफ्ते में एक बार इनकी किसी ना किसी अच्छे टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री आती है गुरु, और ये आपको इतना अच्छा, मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट से ये आपको वहां पे सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, राइट, पूरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से। एंड ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये जो क्वेश्चंस थे, राइट, जैसे ये हेजहॉग वाला हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो क्वेश्चन था मॉस्किटो रेपेलेंट वाला, और 2021 के प्री में ही एक क्वेश्चन आया हुआ था परमाकल्चर वाला, ये दोनों क्वेश्चन डाउन टू अर्थ की एक ही डॉक्यूमेंट्री में कवर हुए थे, एक ही डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी परमाकल्चर पे, एंड आई हैड वॉच्ड दैट डॉक्यूमेंट्री, और वहां से मेरा ये सही हुआ था ये क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपको रियल लाइफ में, और ये डाउन टू अर्थ का जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। जब भी आप खाना वाना खा रहे हो वो डॉक्यूमेंट्रीज देख लो अच्छे से, राइट, सोने से पहले आप वो डॉक्यूमेंट्रीज देख लो। एंड देन देर इज इको इंडिया करके एक यूट्यूब चैनल है, ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है। और अगेन मैं आपको कहूंगा, जितना रिसोर्स इन यूट्यूब चैनल्स पे एनवायरमेंट इकोलॉजी पे कवर हुआ है, उतना आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, स्पेशली इकोलॉजी से रिलेटेड। तो आप वहां से ये सब चीजें कवर कर सकते हो। बाद में फिर कुछ बीबीसी अर्थ जब आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, तो उसमें 2-3 मिनट की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई है, मतलब जानवर एक दूसरे को खा रहे होते हैं, तो आपको कम से कम ऐसी चीजों का बहुत आइडिया हो जाता है कि फूड चेन में कौन किसे खा रहा है, किसका क्या नेचर है। और ये जो चीजें हैं, जैसे हेजहॉग हो गया, जैसे ये हेजहॉग में आया हुआ था क्वेश्चन, तो हेजहॉग दिखता कैसे है, मरमॉट दिखता कैसा है, पेंगोलिन दिखता कैसा है, समझ रहे हो, ये सब चीजें आपकी वहां से बहुत अच्छी कवर होगी। ओशन के अंदर जो इकोलॉजी है वो काम कैसे कर रही है, तो ये बीबीसी अर्थ की छोटी छोटी क्लिप्स आप, मतलब दिन में एक क्लिप आप देख सकते हो, उस एक क्लिप से आपकी बहुत अच्छी नॉलेज इंक्रीज होगी, राइट। जैसे आपके ओशन में स्टारफिश कैसी होती है, और आपके ओशन में जेलीफिश कैसी होती है, स्टारफिश जेलीफिश में डिफरेंस क्या है, राइट, आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, मिलीपीड्स क्या होते हैं, राइट, आर्थ्रोपॉड्स मिलीपीड्स वगैरह इनके बीच डिफरेंस क्या है, ये बहुत माइन्यूट चीजें आपकी इसमें बहुत अच्छे से कवर होती जाएगी। एंड देयर इज DW हिंदी, इनकी भी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आती है, और ये तो आपके साइंस एंड टेक को बहुत अच्छे से कवर करवाएगा, राइट। सो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज है प्रो लेवल के, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको फॉलो, कम से कम फॉलो करो, राइट, कम से कम फॉलो तो कर दो, और उसके बाद दिन में 15-20 मिनट अगर आप इनमें से किसी एक चीज को दे रहे हो, तो उसमें आपकी कोई भी ऐसी हानि नहीं है, ये आपका एक इलीट टाइप का मनोरंजन होगा भाई। अब जब आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो तो इलीट एंटरटेनमेंट करो, राइट, वो गए वो जमाने, मतलब जब आप सेक्रेट गेम्स देखा करते थे, राइट, वो सब छोड़ो, अब इलीट मनोरंजन करो, राइट, मिर्जापुर देखा करो, ये सब डॉक्यूमेंट्रियां देखा करो, स्टालिन पे डॉक्यूमेंट्री देखो, चर्चिल पे डॉक्यूमेंट्री देखो, इलीट मनोरंजन, समझ रहे हो बात को। एंड देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये PYQs, क्योंकि ये जो UPSC के क्वेश्चन है, आई बेट
जब ये यूपीएससी ने पूछे थे, जिस मोमेंट में यूपीएससी ने ये पूछे थे, उससे पहले किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये नहीं पूछे होंगे। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो जो टेस्ट सीरीज है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेंगे, स्पेशली इस तरीके के ऑप्शन कभी नहीं देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो यूपीएससी इज मास्टर इन इन फ्रेमिंग द ऑप्शंस, लॉजिकल ऑप्शंस। वो हमेशा, अगेन, कोई भी रट्टे वाला ऑफिसर वो नहीं चाहते हैं। दे वांट लॉजिकल ऑफिसर्स, लॉजिकल ऑफिसर जो मिनिमम इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है उससे डिसीजन ले सके। समझ रहे हो? मिनिमम अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो डिसीजन ले सके, दोज ऑफिसर्स आर रैशनल ऑफिसर्स। तो आपको ये रैशनैलिटी फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो बेस्ट चीजें हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया 2016-17 में बहुत इजी पीवाईक्यू आया करते थे। ये बात सही है, इजी पीवाईक्यू आया करते थे, और वो लोग फिर ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इतने इजी अब तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू का तो कोई फायदा नहीं है, पैटर्न चेंज हो गया है, लेना हो गया, देना हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है गुरु। पैटर्न उनके क्वेश्चन बनाने का चेंज हुआ है, लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जिन चीजों पे वो पूछ रहे हैं वो वही अभी भी है। इसीलिए पीवाईक्यू पे रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर साइंस एंड टेक एंड योर एनवायरनमेंट पार्ट, क्योंकि इसमें रिपीट हो रही है हर चीजें। वायरस पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर दूसरे साल में वायरस पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साइंस एंड टेक में आपके जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उस पे हर साल एक एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं कितने आपको एग्जांपल दूं, मेरी एक ऑलरेडी सीरीज चली हुई है जिसमें हर रोज हम पीवाईक्यूज पे रिसर्च करते हैं, डिस्कस नहीं करते उन्हें, उन पे रिसर्च करते हैं, उनके ऑप्शन पे रिसर्च करते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। सो इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड इन योर प्रिपरेशन, तो वो सीरीज आपके लिए पीवाईक्यू की डिस्कशन सीरीज एंड रिसर्च सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। आप एक बार जाकर के उसको देखिएगा, राइट, एक बार जाकर के आप बहुत अच्छे से देखिएगा, एंड आपको जरूर लगेगा कि दैट सीरीज हैज समथिंग, आई मीन दैट इज वर्थ योर टाइम। समझ रहे हो बात को? एंड उसके बाद बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स थे, 5-6 लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है एसए के लिए कि एसए कैसे अप्रोच किया जाए, उस पर भी आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सम वीडियोस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हालांकि एसए एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों पे सोचना पड़ेगा, सोचना सीखना होगा, राइट, तो वो भी मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ बनता है तो डेफिनेटली एसए पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी। प्लस मतलब 2-3 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि सर अपना एसए का मतलब ऐसा कुछ शॉर्ट कोर्स टाइप आप अगर लॉन्च कर सकते हो तो बढ़िया होगा, जो एक वेल मतलब एक बहुत अच्छी राइट एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो एक कोर्स हो। तो अभी मेरे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, राइट, उतने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो कोर्स मैनेजमेंट कर सके, बट डेफिनेटली अगर अगले 15-20 दिन में ऐसा कुछ हुआ तो आई एम प्लानिंग फॉर इट, राइट, आई एम प्लानिंग फॉर इट। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा जो है अप्रोच, एसे इज ऑल अबाउट अप्रोच, राइट, इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, कोई आपको एसे लिखना नहीं सिखा सकता बट एसे सोचना सिखा सकता है, राइट, एसे पे एक एक फिलोसफिकल एसे पे सोचना कैसे है, राइट, तो उस पर हम जरूर काम कर सकते हैं, देखने को मिलेगा अभी फ्यूचर में, राइट, तो अभी बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, बाकी फॉलो करते रहिए इनिशिएटिव्स को। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही है तो गाइस बस कमेंट में बताइएगा जरूर, अगर हेल्पफुल नहीं भी हो रही है तो कमेंट में ये बताइए कि कैसे हम आउटकम्स को एनहांस कर सकते हैं इन चीज़ों के। बस आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक और शेयर, जस्ट कमेंट, राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।